हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेहा नागर ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आप सभी लोग अपने घरों में सेफ होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ अलग डिफरेंट टाइप की वीडियो लेकर आई हूँ, जिसकी मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही थी और मेरी वीडियो काफ़ी दिनों के बाद आ रही है। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं डली थी तो मुझे बहुत कमेंट आ रहे थे कि दी आप अपने हेयर्स के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो नहीं अपलोड कर रही हो, क्या हुआ है। तो इसलिए मैं आज लोगों के लिए कुछ नई सी वीडियो लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते हैं। तो हमारे बालों को नज़र लगती है, जैसे कि आपको पता है हमें भी नज़र लग जाती है, तो उसी तरीके से आपके बालों को भी नज़र लगती है। अगर आपको आपके बालों को नज़र उतारने का, आपके बालों को सही तरीका पता चल जाए तो आपके बालों को कभी भी नज़र नहीं लगेगी। तो मैं इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि आपको अपने बालों की नज़र किस तरीके से उतारनी चाहिए, जिसे उतारने के बाद आपके बालों का झड़ना कम हो जाए और आपके बाल दुगनी तेजी से बढ़ने लगे। तो दोस्तों, काफ़ी लोग बोलते हैं कि नज़र वगैरह कुछ नहीं होती, बट मैं पर्सनली बताऊँ, मैं तो मानती हूँ कि नज़र होती है। जिस चीज़ को भी नज़र लग जाती है ना, उसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है उस चीज़ पर। जैसे कि हमको कभी कभी नज़र लग जाती है, कभी सिर में दर्द हो जाता है, कभी हाथ पैरों में दर्द हो जाता है, तो उसी तरीके से आपके बालों को भी नज़र लगती है। और आपको पता है, किसी की नज़र तो इतनी बुरी होती है ना कि पत्थर तक को तोड़ देती है। तो आप ये तो बिल्कुल भी मत सोचो कि नज़र होती नहीं है, नज़र होती है। मैंने खुद आजमाया है अपने हेयर्स पर। जब मेरे हेयर्स को नज़र लग जाती है ना, तो मेरे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अगर मैं हल्के हाथों से भी अपने बालों में कंघी करती हूँ ना, मेरे बाल कंघी भर भर के टूटने लगते हैं। तो मुझे पता चल जाता है कि हाँ भाई, मेरे बालों को नज़र लग चुकी है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको वीक में कितनी बार अपने बालों की नज़र उतारनी चाहिए और आपको किस किस दिन आप अपने बालों की नज़र उतार सकते हैं और किस तरीके से आप नज़र उतार सकते हैं, ताकि आपको नज़र उतारने का सही तरीका पता होना चाहिए। अगर आपको सही तरीका पता है नज़र उतारने का, तो फिर तो दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है। और वो तरीका आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी भी। भाई, मैं तो जब भी मेरे बालों को नज़र लगती है, मुझे पता चल जाता है, मैं अपने बालों की तुरंत नज़र उतार लेती हूँ। क्योंकि जैसे कि आपको पता है, किसी ने अगर वीडियो में कोई देख रहा है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर मेरे बालों को कोई सामने से देख लेता है ना, तो मेरे बालों को बहुत बुरी नज़र लग जाती है। इसलिए मैं अपने बालों को कभी खोलती नहीं हूँ, घर में भी कभी भी नहीं खोलती, मैं सिर्फ वीडियो वगैरह बनाने के लिए ही खोलती हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको कम से कम वीक में 3 बार अपने बालों की नज़र उतारनी ही उतारनी चाहिए। तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपके बालों को नज़र लग गई है? एक तो आपके बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे, आपके बालों की ग्रोथ रुक जाएगी, आपके बाल बिल्कुल भी नहीं बढ़ेंगे। आप कोई भी शैम्पू, कोई भी कंडीशनर, कुछ भी चीज़ लगा लीजिए अपने बालों में, आपके बाल झड़ना बंद नहीं हो सकते जब तक आपके बालों की अच्छी तरीके से नज़र ना उतारी जाए। तो दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपके साथ वो भी सब कुछ शेयर करने वाली हूँ कि आपको किस तरीके से आपके बालों की नज़र उतारनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको वीक में 3 बार नज़र उतारनी चाहिए, और एक तो आपको संडे के दिन अपने बालों की नज़र उतारनी चाहिए, एक आपको उतारनी चाहिए मंगलवार को। ये 2 दिन वीक में ऐसे होते हैं, इन 2 दिनों में आप अपने बालों की नज़र उतार सकते हैं। और आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिले तो आपको 3 बार नहीं, कम से कम वीक में 2 बार तो अपने बालों की नज़र उतारनी ही चाहिए। आप मेरे कहने से 1 महीने में आप वीक में 2 बार अपने बालों की नज़र उतार कर देखिए, आपको रिजल्ट खुद ही दिख जाएगा। अपने बालों में आपके बाल झड़ना एकदम से बंद हो जाएंगे, आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होगी। आप जिस दिन आपके बालों को नज़र नहीं लगेगी, उस दिन आपके बाल बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। ठीक है, तो वीडियो मैं खुद से तो देखें, नज़र उतारने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी 2 आदमियों की, मतलब 2 जनों की ज़रूरत पड़ेगी आपको। खुद से आप नज़र नहीं उतार सकते हो, ना ही खुद से नज़र उतरती है। आपको पता है, जैसे हमारे घर में कोई बड़ा बूढ़ा होता है, हमारी मम्मी, हमारी बड़ी दीदी, वो नज़र उतारती है। भाई, मेरे घर में तो मेरी मम्मी उतारती थी, मेरी बड़ी बहन है वो उतार देती थी बालों की नज़र जब कभी लगती थी। यहाँ पर मेरे हस्बैंड उतारते हैं। तो आज भी
वो भी उतारने वाले हैं नज़र, बट कैमरा के सामने नहीं आएंगे, पीछे से नज़र उतार देंगे। तो आप वीडियो को देखना, आप देखना कि मेरे इन बालों की नज़र मैं किस तरीके से उतार रही हूँ। आपको सेम टू सेम उसी ही तरीके से अपने बालों की नज़र उतारनी है अच्छे तरीके से। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आप पहले देख लीजिए कि मैंने अपने बालों की नज़र किस तरीके से उतारी, फिर मिलती हूँ आपसे फेस टू फेस। तो दोस्तों देखिए, आपको लेनी है एक स्पून, स्पून में लेना है सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल, और उसमें आपको ऐसी रुई की बाती बना लेनी है और उसको पूरा ऑयल में भिगो लेना है। इसको अभी जलाना नहीं है, पहले आपको अपने बालों की नज़र उतारनी है, उसके बाद आपको इसको जलाना है। और किस तरीके से उतारनी है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए दोस्तों, आपको बिल्कुल इस तरीके से अपने बालों की नज़र उतारनी है। तो आपको 7 बार अपने बालों के ऊपर से इसको घुमा लेना है और उसके बाद आपको इसको माचिस से जलाना है। तो दोस्तों आपको ऐसे बात ही जला लेनी है और आपको एक कटोरी लेनी है, उसमें पानी डालना है और आपको उसके ऊपर इस बाती को ऐसे लटका देना है। तो आप देख सकते हो किस तरीके से इसमें आपके बालों की नज़र चढ़ रही है। आपको ऐसे ही इस बाती को देखना है ताकि आपके बालों की अच्छे तरीके से नज़र चढ़ जाए। तो देखिए आपको अच्छे तरीके से दिख रहा होगा ये कितने बुरे तरीके से आपके बालों की नज़र चढ़ रही है। आपको ठीक उसी प्रकार करना है जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। इसी तरीके से अगर आप करेंगे तो आपके बालों की अच्छी तरीके से नज़र चढ़ जाएगी। कितनी बुरी नज़र लगी हुई थी मेरे बालों को, अभी तक झड़ रहे, पूरी बात ही चल रही है, जल चुकी है और नज़र अभी तक झड़ रही है। मैं आपको एकदम बेस्ट तरीका बता रही हूँ आपको बालों की नजर झाड़ देगा। देखिए भाई मेरे बालों पर दाल बड़ी बुरी नजर लग रही किसी की। आप नजर झड़ने के बाद वो इसमें बाती डाल देंगे। तो दोस्तों बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नज़र वज़र कुछ नहीं होती है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप मानो तो सब कुछ है और नहीं मानो तो कुछ नहीं है। अभी आपने इस वीडियो में देख लिया है जिस तरीके से मैंने आपको दिखाई, मेरी खुद के बालों में बहुत बुरी नज़र लगी हुई थी, बहुत झड़ गई है। तो आपको भी मैंने आपको बिल्कुल एकदम नज़र झाड़ने का सिंपल होममेड तरीका बताया, आपको इसको ट्राई ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों मैं जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो आपकी भलाई के लिए ही करती हूँ। अगर आप जो भी टिप्स वगैरह मैं आपको बताती हूँ अगर आप उनको यूज़ करते हो तो आपको रिजल्ट मिलेगा, अगर आप उनको यूज़ नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे कि अगर हमारे बालों को बुरी से बुरी नज़र लग जाए तो हमें अपने बालों की नज़र किस तरीके से उतारनी चाहिए। तो यही वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया है कि आपको इसी तरीके से अपने बालों की नज़र उतारनी चाहिए। आप इस रेमेडी को 1 महीने के लिए रेगुलर ट्राई कर देखो। आपने देखा कि जिस तरीके से बाती में से तेल टपक रहा था, जिस दिन वो तेल टपकना बंद हो जाएगा उस दिन आप समझ लेना कि आपके बालों को नज़र नहीं लगी है। आप इसको रेगुलर ट्राई करते रहिए, मैं तो हर वीक इसको ट्राई करती हूँ भाई, मेरे बालों को बहुत नज़र लगती है। तो इसलिए आपको बता रही हूँ, आप भी अगर जब भी आपको लगे कि आपके बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं, आपके बाल बढ़ नहीं रहे, आप शैम्पू वगैरह अच्छे से अच्छा ट्राई कर चुके हो उससे भी आपके बालों का झड़ना बंद नहीं हुआ है, आपके बाल रेगुलर झड़ रहे हैं, तो आपको ये वाली
टिप्स एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। और आप लोगों का प्यार मुझे ऐसे ही देते रहे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप इतनी प्यार प्यारी कमेंट्स करते हो मेरे ब्लॉग्स पर, आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो कि मैंने कुछ दिन से ब्लॉग नहीं डाला तो आप लोगों की इतनी सारी कमेंट्स आने लगे कि दी आपने इतने दिनों के ब्लॉग नहीं डाला है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो, इतना सपोर्ट करते हो, बस आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।